सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपने अल्फाजों का प्रयोग बहुत सावधानी से कीजिएगा क्योंकि यह आपके परवरिश का सबसे बड़ा सबूत है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, पहला यह कि कुछ भी चमत्कार नहीं है और दूसरा यह कि दुनिया की हर चीज चमत्कार है। जब भी आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं दुनिया में आपके लिए रोशनी का एक नया दरवाजा खुलता है। आज का पंचांग 24 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 6:59 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र रात्रि 2:48 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:21 से 10:46 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तुला राशि, इस राशि वालों के लिए आज के दिन सिर्फ लाभ ही लाभ दर्शाता है। व्यापार में बिक्री बढ़ेगी, सारा दिन व्यस्तता में बीतेगा, व्यापारिक परिस्थितियां अनुकूल होगी। नौकरी पेशा वर्ग में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सभी सेल्स के टारगेट आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। कुल मिलाकर दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। परिवार में कुछ आपसी मतभेद देखने को मिलेंगे। तर्क कुतर्कों में घरेलू वाद विवाद बढ़ सकता है। योग व्यायाम के दौरान किसी मांसपेशी में खिंचाव आ सकता है। व्यायाम के दौरान जोश में होश ना खोएं। आप वर्तमान समय में सीमित महसूस कर सकते हैं। अभी आप एक नई शुरुआत की खोज में हैं। अपने बाहरी रूप का मेकओवर भी आपके लिए अच्छी शुरुआत हो सकता है, तो परीक्षण करें और मचल लें। इस नए चरण में खुद पर यकीन करें, आत्मविश्वासी और मजबूत रहें। आज आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जो पहले से निर्धारित नहीं होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। आपको अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों से मिलने का मौका भी मिल सकता है। आज के दिन बेहद अनमोल है और आप सकारात्मक महसूस करेंगे। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। सावधानियां, आज घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। आज आपके खर्चे भी अधिक होंगे, परंतु दिन के समाप्ति तक सब ठीक भी हो जाएगा। लव लाइफ की बात करते हैं। आज जीवन साथी के परिवार के साथ मनमुटाव की संभावना है, लेकिन इसका प्रभाव अपनी लव लाइफ पर ना पड़ने दें। पैसा बढ़ने के साथ अपेक्षाएं भी बढ़ने लगेगी, ऐसे में मोटी तनख्वाह भी कम लगने लगती है। किसी खास को आकर्षित करने के लिए मेकओवर एक अच्छा उपाय है। आज आप घर में कुछ राहत के पल बिताने पर फ्रेश और प्रिय महसूस करेंगे। आपका रोमांटिक जीवन शांतिपूर्ण है और इसमें मौजूद अत्यधिक भावनात्मक लगाव आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। ध्यान रखें कि प्यार को मजबूत करने के लिए जो वादे करें उन्हें पूरा जरूर करें, अन्यथा जिंदगी नीरज हो जाती है। बात करते हैं करियर की। इस समय आप धन संबंधित मामलों और नई आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अभी आप स्वरोजगार के बारे में भी सोच सकते हैं। सितारे आपके पक्ष में भी हैं, इसलिए सफलता मिलेगी। आप कुछ भी पा सकते हैं, बस अहंकार के दीमक से स्वयं को खोखला ना होने दें। आज आप अपने कार्यस्थल में परेशानी का सामना करेंगे और इससे
आपको काम में भी मुश्किल हो सकती है। आपके सहयोगी आपके कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। व्यापार और नौकरी दोनों में लेन देन आपको हानि पहुंचाएगा। अपने डर को छोड़कर जीवन का सामना करें। याद रखें, आप मुश्किलों के बिना सफलता का स्वाद नहीं ले सकते। सेहत की बात करते हैं। किसी संक्रमण या फिर कोल्ड होने के कारण आपकी सेहत थोड़ी नाजुक हो सकती है। अच्छा खाना और आराम करके आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मंदिरा और मिठाइयों से दूर रहें, ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे। आज का उपाय, आज आप शंकर भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।